गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? यस सर। गुड, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने डायग्रामेटिकली लास्ट लेक्चर में स्टैक समझा दिया था, अब आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल होगा। आज हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैक को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। तो जहां लास्ट लेक्चर मैंने छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक। सो आज का टाइटल है हमारा इंप्लीमेंटिंग स्टैक। लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं सी, सो इंप्लीमेंटिंग स्टैक इन सी। अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस नहीं करा हो तो आप मुझे बताइए स्टैक कितनी चीजों से मिलकर बनता है, जल्दी जवाब दें। टू क्रिएट अ स्टैक हाउ मेनी एंटिटीज, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नीडेड? परफेक्ट। स्टैक क्रिएट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट? जिसमें से एक, गौर करिए, ये एरे होता है जिसे आप एक एंड से क्लोज और एक एंड से ओपन दिखाते हैं, राइट? This is an array, right? और इस particular array पे indexing करने के लिए आप एक toss नाम का variable लेते हैं जिसे आप initially set करते हैं with -1, right? This will hold indexes. आप मानते हैं इन दोनों के combined effort से आपका stack implement होगा। ये दोनों मिलते हैं तो कुछ बनता है जिसे अपन बोलते हैं स्टैक। यानी हमेशा याद रखिएगा, टू क्रिएट अ स्टैक वी ऑलवेज ऑलवेज रिक्वायर टू थिंग्स। नंबर वन, द एरे विच इज गोइंग टू होल्ड द डेटा। नंबर टू, टॉस, जो उन इंडेक्सेस को रेफर करेगा जो इंडेक्सेस स्टैक के या एरे के नंबर्स को इंडिकेट करेंगे, पोजिशंस को इंडिकेट करेंगे। हुआ क्लियर? आई बात समझ? अब अगली जरूरी बात, अगर आपने सी के बेसिक्स पढ़ लिए हैं तो मुझे बताइए जब दो चीजें मिलकर एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में? जब दो चीजें मिलकर एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं तो आप सी प्रोग्रामिंग में इसके लिए यूज करते हैं स्ट्रक्चर। अगर सी होती तो आप स्ट्रक्चर बोलते, और अगर आप यही काम जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस में करते तो आप इसकी जगह यूज करते क्लास। अगर आप जावा के डेवलपर हैं तो आप स्टैक के लिए क्लास बनाते, अगर आप सी प्लस प्लस के डेवलपर हैं तो भी क्लास बनती, अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो भी आप क्लास बनाते, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बस इंप्लीमेंटेशन में फर्क आ जाता है। लैंग्वेज आपको जो भी तरीका देती है मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ रखने के लिए, आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हुए स्टैक को करेंगे कोड के अंदर इंप्लीमेंट। अब एक जरूरी सवाल, क्या बिना स्ट्रक्चर बिना क्लास के स्टैक नहीं बनेगा? क्या बिना स्ट्रक्चर बिना क्लास के स्टैक नहीं बनेगा? 100% बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिमाग लगाइए, जब आप पुश और पॉप फंक्शंस बनाएंगे तो आपको एरे और टॉस ये सारे के सारे अलग अलग एक एक करके एज एन आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। सोचिए ध्यान से, जब आप पुश फंक्शन बनाएंगे, पुश को दोनों की जरूरत पड़ेगी ना, एरे की भी और टॉस की भी, क्योंकि डेटा एरे में डालना है और इंडेक्स टॉस से मिलेगा। तो पुश को जब दोनों चाहिए, पॉप को जब दोनों चाहिए, तो बेटर है ना कि इन दोनों को हमेशा एक साथ रखा जाए। ये दोनों अलग अलग होकर तो काम कर ही नहीं सकते। तो जब दो चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं ना, डिपेंडेंट चीजों को एक साथ रखना। और सी में एनकैप्सुलेशन तो नहीं होता, लेकिन सी भी ये कहती है कि जो डिपेंडेंट चीजें हैं आप उन्हें एक साथ रखें, क्योंकि एरे और टॉस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके स्टैक बनाते हैं। इसलिए स्टैक को हमेशा अगर प्रोफेशनली इंप्लीमेंट करा जाता है तो हमेशा एक सिंगल ब्लॉक के अंदर डालकर करा जाता है, और वो सिंगल ब्लॉक आपके लिए होगा स्ट्रक्चर, ठीक। तो जो मैंने आपसे कहा उसके मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी इंप्लीमेंट अ स्टैक इन सी लैंग्वेज? आंसर इसका, as we know,
a stack is actually a collection of entities, an array for holding values, and an integer called toss for holding indexes. Now, since these two entities always work together, let me write them in bold, always work together, जब भी काम करेंगे एक साथ काम करेंगे, so we must keep them, so we must keep them in a single unit and in C language. That single unit is called a structure. Isliye, to implement a stack, we always make use of structure. आई बात समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़े? ठीक है, अब रिकॉल करिए और मुझे बताइए स्ट्रक्चर बनाने का सिंटेक्स क्या होता है. व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर? वेरी गुड. वी राइट द कीवर्ड स्ट्रक्ट, वी राइट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, जो भी आपको स्ट्रक्चर को नाम देना है. उसके बाद कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर क्या बताते हैं आप? दो चीजें, जो आपको मेंबर रखना है उसकी डेटा टाइप, और जो वेरिएबल लेना है उसका नाम. ऐसे अगले मेंबर की डेटा टाइप, अगले मेंबर को रिप्रेजेंट करते हुए वेरिएबल का नाम. एंड लाइक दिस वी आर गोइंग टू राइट as many members as we want in the structure. This is the way C declares a structure. अब इसी को अगर आप अपने stack के ऊपर apply करें, यही syntax को अगर stack में convert कर दिया जाए, तो ध्यान से देखिए हमारे case में क्या बन जाएगा. In our case, it will be like this. We'll write struct stack. ये हमारे structure का नाम हो गया. अंदर अपने का अपन एक array रखेंगे. किसका एरे रख रहे हैं फिलहाल? इंटेजर्स का एरे रख रहे हैं. तो क्या स्टैक हमेशा इंटेजर्स का ही बनता है? नहीं, स्टैक इंटेजर का भी बनेगा. ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टैक इंटेजर का भी बनेगा. एक हफ्ते बाद आप देखेंगे स्टैक कैरेक्टर का बनने लगेगा. आगे चलकर आप देखेंगे स्टैक फ्लोट का बनेगा. और जब आप अपने इस कोर्स में एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे स्टैक पॉइंटर्स का भी बनेगा. सो ओपन माइंड रहिएगा. स्टैक किसका बनेगा वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, बट बिहेवियर हमेशा सेम रहेगा. हमेशा वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर को फॉलो करेगा, एलिमेंट्स को पुश और पॉप करते हुए. दूसरी बात, अगला डाउट आएगा, सर ये फाइव आपने कैसे लिया? तो फाइव मैंने अपने मन से साइज दी है. जब एज अ प्रोग्रामर हम अपने मन से स्टैक को साइज देते हैं तो ये स्टैक कहलाता है स्टैटिक स्टैक. अगर आपको लगता है सर अगर हम चाहते हैं ये साइज इनफाइनाइट हो, हम जितना चाहें उसमें उतना डेटा रख पाए, तो फिर स्टैक इंप्लीमेंट होता है डायनेमिकली. और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इस कोर्स का मिस नहीं करा है तो मैंने आपको फर्स्ट डे बोल दिया था कि जब हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ लेंगे तब हम स्टैक और क्यू को दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे, और तब उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे इन डायनेमिक स्टाइल. याद है आपको ये बात? तो अभी जो हम स्टैक बना रहे हैं वो स्टैटिक स्टैक है. तो अभी ज्यादा चिंता इस बात की मत करिएगा कि साइज कैसे तय हो रही है. साइज हम अपने मन से तय कर रहे हैं, 5, 10, 20, 50, जो हमको रखनी है हम रख लेंगे. नो डाउट उसमें मेमोरी वेस्ट होने की प्रॉब्लम होगी, सब कुछ होगा, बट हमें अभी मेमोरी की चिंता नहीं है, हमें अभी स्टैक समझना है. एक बार स्टैक समझ गए फिर मेमोरी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट. आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो डोंट पुट मोर अटेंशन ऑन दिस साइज. ये साइज आप कुछ भी लेंगे अपने प्रोग्राम की जरूरत के मुताबिक. आपको लग रहा है आपको खूब सारा डेटा स्टैक में रखना है,
आप 5 की जगह 50 ले लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी की प्रॉब्लम डीएमए से दूर करेंगे हम, जब हम लिंक लिस्ट पढ़कर डायनेमिक स्टैक बनाना सीखेंगे। जब तक लिंक लिस्ट नहीं पढ़ते हैं तब तक स्टैटिक स्टैक बनेगा जिसमें साइज प्रोग्रामर अपने मन से तय करेगा। बताइए क्लियर हो रहा है पॉइंट, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब दूसरी बात भी सुनिए ध्यान से। स्टैक किसी भी चीज का बने, इंटेजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, किसी का भी बने, टॉस हमेशा इंटेजर रहेगा। आ रही है बात? टॉस हमेशा इंटेजर रहेगा, क्योंकि टॉस को क्या रखना है अपने अंदर, टॉस को अपने अंदर क्या रखना है, टॉस को अपने अंदर इंडेक्सेस रखने हैं। जब टॉस को इंडेक्सेस ही रखने हैं तो इंडेक्सेस तो कभी कैरेक्टर या फ्लोट नहीं होंगे ना, करेक्ट। तो टॉस हमारा हमेशा इंट टॉस रहेगा, रिमेंबर दिस, इससे आपके कंफ्यूजन्स कम होंगे। आपको कभी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं टॉस की डेटा टाइप क्या रखूं, टॉस इज फॉर श्योर वो हमेशा इंट टाइप का बनेगा। स्टैक किसका बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम यू आर हैंडलिंग। आने वाले दिनों में हम कैरेक्टर्स पे काम करेंगे तो स्टैक कैरेक्टर्स का बन जाएगा, एक्सप्रेशंस पे काम करेंगे तो स्टैक फ्लोट्स का बनेगा, लेकिन टॉस आप देखिएगा सब टाइम बना रहेगा ऑफ टाइप इंटीजर। आई बात समझ, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक और बात सुनिए ध्यान से जो इंटरव्यूज में बहुत पॉपुलर है। ये जो आपने डिक्लेरेशन दिया है ये आपने अपना खुद का स्टैक बनाया है, जल्दी बोलिए, ये आपने अपना खुद का स्टैक बनाया है, ऐसा कोई फिजिकली नहीं होता है, ऐसा कोई फिजिकली स्टैक नहीं होता है, ये आपने क्रिएट करा है, राइट। तो जब आप अपने लेवल पे कोई डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एज अ प्रोग्रामर आप बनाते हैं, तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को ADT नहीं, यूजर डिफाइंड तो सी ने नाम दिया होगा, यहां पर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को ADTs बुलाते हैं। आप बहुत कॉमन सुनेंगे ये वर्ड, आप बताइए मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, कभी ये वर्ड आपने सुना प्रोग्रामिंग में, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। इफ समवन सेज व्हाट इज एन एडीटी, तो आपका जवाब होगा व्हाई इंप्लीमेंटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर प्रोग्रामर अपने लेवल पे एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, प्रोग्रामर तय करता है उस डेटा स्ट्रक्चर की डिटेल्स, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं, अकेले एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप किसी से इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड कर रहे हैं, आप उसको नहीं बता रहे हैं कि इंटरनली आपने क्या करा है, आप सिर्फ स्टैक यूज करने को किसी को देंगे, आपने उसके अंदर एरे लिया है कि आपने उसके अंदर पॉइंटर लिया है, क्या लिया है वो आप तय कर रहे हैं, इसलिए स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ADTs। आपको ADT समझने में दिक्कत हो रही है, आप सिंपल इंग्लिश में इसको मान लीजिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये वर्ड तो सुना होगा आपने, बट डेटा स्ट्रक्चर में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कम पॉपुलर है, ज्यादा पॉपुलर वर्ड है ADTs। तो अगर आपसे कभी किसी ने पूछा व्हाट इज एन ADT, तो बहुत सिंपल आंसर है, व्हाटएवर डेटा स्ट्रक्चर वी इंप्लीमेंट, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट जो हम बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ADTs। तो क्या इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट भी ADT है? नहीं, वो कोई ADT नहीं है, वो लैंग्वेज की तरफ से दी गई डेटा टाइप्स हैं। ADT वो हैं जो आप क्रिएट करेंगे, फिर आप ही पुश पॉप भी बनाएंगे, क्या कहते हैं, इस स्टैक पे काम करने के फंक्शन भी अपन ही बनाएंगे ना। तो जब अपन एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करेंगे विद ऑल इट्स ऑपरेशन, विद ऑल इट्स डेटा, विद ऑल इट्स डिक्लेरेशन, तो वह अपने आप में कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। आया समझ? चलें आगे, अब आते हैं इसके प्रॉपर डिक्लेरेशन पे। तो अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगा स्ट्रक्ट स्टैक, साइज मैं अपने मन से दे रहा हूं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है मोहित, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं ताकि इसको हम डिस्टिंग्विश कर पाए, बाकी आप एस स्मॉल भी रखेंगे तो भी चलेगा, इट हार्डली मैटर्स, ओके। सो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा INT ARR फॉलोड बाय साइज, मैंने दी 5 और उसके बाद मैंने कहा INT TOSS। ये हमारा स्टैक का डिक्लेरेशन हो गया। अभी मैं बहुत सिंपल वे में इसको इंप्लीमेंट करूंगा, फिर इसको लेवल 2 पे और फिर इसको लेवल 3 पे लेकर जाएंगे। तीन तरह से स्टैक बनाएंगे 2 दिनों के अंदर, तो मेक श्योर सारे लेक्चर्स आप अटेंड करें, क्योंकि जो फाइनल वर्जन होगा इसका वो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। आप ये बताइए जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको मेमोरी मिल जाती है? नहीं,
उसे मेमोरी तब मिलती है जब उसका आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको स्टैक का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बाय राइटिंग स्ट्रक्ट स्टैक एस, राइट। हाँ नहीं करते वैशाली, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टॉस को मेमोरी नहीं मिली ना। जब इसे मेमोरी नहीं मिली तो आप इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं? इनिशियलाइज तो उसे करते हैं ना जो मेमोरी में आ जाए, जो मेमोरी में नहीं आया उसको इनिशियलाइज कैसे कर पाएंगे, राइट? यस, फॉर दिस इन पाइथन वी विल बी क्रिएटिंग अ क्लास। यही चीज पाइथन में होगी तो क्लास बनाकर होगी, जावा में होगी क्लास बनाकर होगी, सी प्लस प्लस में भी होगी क्लास बनाकर होगी, राइट। आगे बढ़ू, चलिए तो ये हो गया आपका स्ट्रक्ट स्टैक एस। अब यहां पे भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट, उसे समझने की कोशिश करिएगा। इसका आप मुझे मेमोरी डायग्राम बताएंगे क्या बनेगा इस स्ट्रक्ट स्टैक एस का? कैन यू गाइड इसका मेमोरी पिक्चर, मेमोरी डायग्राम क्या क्रिएट होगा? तो अगर आप अपने सी लैंग्वेज के बेसिक्स याद करें तो आपको ध्यान आएगा, सी में आपने पढ़ा है जब भी आप कोई स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तो एक कंटिन्यूस ब्लॉक रिजर्व होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, राइट। ये आपका कंटिन्यूस ब्लॉक एस कहलाएगा, हाँ ये एस कहलाएगा। इस एस के अंदर अगर आप सोचें गौर से तो एक एरे क्रिएट होगा, होगा ना, पांच इंटीजर्स का एक एरे क्रिएट जिसका कि नाम ए आर आर होगा। यस बिल्कुल सही, इसके अंदर एक ए आर आर नाम का एरे होगा और इसी के अंदर अगर आप ध्यान से सोचें तो एक टॉस नाम का इंटीजर भी होगा। यस इसी के अंदर एक टॉस नाम का इंटीजर भी होगा, ठीक है। और एरे के फिर पांच सेल होंगे, पार्टीशंस भी तो होंगे ना आपके एरे के, बिल्कुल होंगे। ये एरे का जीरो सेल होगा, ये एरे का इंडेक्स वन होगा, ये इंडेक्स टू होगा, ये थ्री और ये फोर होगा। फाइन, लेट मी नंबर देम। सो दिस इज जीरोथ इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकेंड इंडेक्स, दिस इज थर्ड इंडेक्स ऑफ द एरे एंड दिस इज फोर्थ इंडेक्स ऑफ द एरे। ये आपके स्टैक का कौन सा डायग्राम है? ये आपके स्टैक का, याद रखिएगा, फिजिकल डायग्राम है। दिस इज द वे स्टैक विल अपीयर इन मेमरी। एग्री करते हैं, राइट? लेकिन हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं देखते डायग्राम, हम लोग स्टैक को लॉजिकली इमेजिन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो दिनों से कर रहे हैं कि स्टैक का एक एंड क्लोज होगा, एक एंड ओपन होगा और जो ओपन एंड होगा वहां से ऑपरेशंस होंगे, राइट? आप याद करिए, आपने ये लॉजिकल फिजिकल सी में पहली बार सुना होगा जब आपने 2D एरे पढ़ा होगा, याद है? आप जब 2D एरे पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा 2D एरे के लिए मैट्रिक्स बनता है, फिर ये बताया गया होगा कि ये मैट्रिक्स हम इमेजिन करते हैं, एक्चुअल में कोई मैट्रिक्स नहीं बनता, एक्चुअल में चीजें हमेशा कंटिन्यूस होती हैं। ये बात सुनी है आपने सी पढ़ते वक्त, राइट? बिल्कुल ऐसे स्टैक के साथ है, ये फिजिकल डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया, बट हम ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को लेकर चलेंगे तो प्रोग्राम की ट्रेसिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, मानते हैं? प्रोग्राम की ट्रेसिंग हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, दिक्कत देगा ये डायग्राम प्रोग्राम का फ्लो समझने में। तो हम स्टैक को जब भी इमेजिन करते हैं हम इसे डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब हम क्या करते हैं डिफरेंट तरीके से, वो सुनिए। हम इमेजिन करते हैं स्टैक को कुछ ऐसे, हम ये मानते हैं ये हमारा मेमोरी ब्लॉक है, राइट? इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक एरे होगा, ओके? ये हमारा एरे हो गया, ध्यान दीजिए, दिस इज आर एरे, वी आर इमेजिनिंग दिस। दिस एरे इज हैविंग एज यूजुअल 5 इंडेक्सेस, क्योंकि अपन ने साइज उसकी 5 मानी हुई है। ठीक है, ये इसके इंडेक्स नंबर्स हो गए, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये इंडेक्सिंग हो गई इसकी, इसका अपने आप में नाम ARR हो गया। फिर हम ये भी मानेंगे हमारे पास ऐसा एक टॉस होगा, ये हमारा टॉस वेरिएबल होगा, ओके?
जो एक्चुअल में एरे के माइनस वन वाली पोजीशन को रेफर करेगा। अभी टॉस में माइनस वन डाला नहीं है मैंने, डालेंगे, ठीक है। और ये पूरा ब्लॉक आप मानते हैं एक एंड से ओपन होगा, एग्री करते हैं, ये पूरा ब्लॉक एक एंड से ओपन होगा। यस, ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे, ये हमारा स्टैक होगा। और इसका नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम आपके वेरिएबल के नाम पे होगा, दैट इज एस, ठीक है। ये कैसा डायग्राम है? इसको आज से बोलेंगे हम, ये हमारे स्टैक का लॉजिकल डायग्राम है। तो अब आज के बाद में जब भी आपको स्टैक ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लॉजिकल डायग्राम ही दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के डाउट्स ले रहा हूं, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं जो आप पूछ रहे हैं। आप पूछिए किसको क्या डाउट है, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे थे आप? शिवांग का डाउट है, इंट एआरआर 5 इन टॉस विल बी पब्लिक और नॉट? नो, दे विल बी प्राइवेट। अगर आप क्लास की तरह इंप्लीमेंट करते हैं तो ये प्राइवेट मेंबर्स होंगे क्लास के, स्ट्रक्चर में मेंबर पब्लिक होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पब्लिक प्राइवेट की तो बात ही नहीं होगी अगर सी लैंग्वेज है तो। रिया, सर जैसे सी में पॉइंटर होता है वैसे ही पाइथन में पॉइंटर का ऑल्टरनेटिव क्या है? रेफरेंस। पाइथन में रेफरेंस होगा, पाइथन में ये जो आप एस बनाएंगे ना वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, ठीक है। बताइए डायग्राम क्लियर? सर अभी तक तो हमें सिर्फ एरे लिया है तो एक साइड से बंद तो होगा ही नहीं? बंद खुला कुछ नहीं होता, जो ही वो हम इमेजिन करके चलेंगे ऐसा, राइट। एक एंड से बंद एक एंड से खुला कुछ भी नहीं होता, हम कोड ऐसे लिखेंगे कि आपको बिहेवियर ऐसा लगेगा कि सारे एलिमेंट टॉप से जा रहे हैं और सारे एलिमेंट टॉप से ही बाहर आ रहे हैं, बिना स्ट्रक्चर के अलग अलग दोनों बनाने पड़ेंगे। एक एरे बनेगा इंट एआरआर 5, एक टॉस बनेगा, वो बिना स्ट्रक्चर के बनेगा, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ताकि आप कंपेयर कर पाए फिर, ठीक है। स्ट्रक्ट स्टैक एस क्यों लिखा है सर? मोहन वेरिएबल डिक्लेयर करा है ना, ये जो मैंने डिक्लेरेशन दिया है इससे तो मेमोरी एलोकेट हुई नहीं ना, ये तो कोई मेमोरी एलोकेट करेगा ही नहीं ना ये डिक्लेरेशन, यस और नो? इससे तो हमने सिर्फ कंपाइलर को ये बताया है कि ऐसा करना जब हम स्टैक क्रिएट करें, कैसा करना, एक एरे बनाकर देना एक टॉस बनाकर देना, आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं जो मैंने ऊपर लिखा है? ये स्ट्रक्चर का टेम्पलेट कहलाता है, राइट। तो आप इसे कह सकते हैं टेम्पलेट ऑफ स्टैक है। टेम्पलेट का मतलब ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब नक्शा, जिसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप इसका वेरिएबल ना बनाए। तो ये जितने भी डब्बे आपको स्क्रीन पे बने हुए दिख रहे हैं कौन सी लाइन पे बनेंगे? तब बनेंगे जब स्ट्रक्ट स्टैक ऊपर वाला डिक्लेरेशन चलेगा, या तब बनेंगे जब मेन वाला डिक्लेरेशन चलेगा स्ट्रक्ट स्टैक एस? क्या लगता है? ये तब बनेंगे जब मेन वाला डिक्लेरेशन रन होगा, जब तक मेन वाला डिक्लेरेशन रन नहीं होगा ये सब कुछ नहीं बन रहे हैं। आया समझ? आगे बढ़ूं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके अपने स्टेटमेंट्स होंगे जो अब अपन लिखेंगे। अभी आपको सिर्फ स्टैक बनाना सिखाना था, आ गया स्टैक बनाना, डिक्लेरेशन करना आ गया, अब आगे बढ़े। चलिए अब स्टैक को करते हैं यूज अपन। नाउ विल राइट कोड जो स्टैक को यूज करेगा, ठीक है। तो शुरुआत फिर वैसी जैसे आपको अभी समझाया मैंने, struct stack int arr 5 integer toss, then I'll have main, inside main mera declaration hoga struct stack s, theek hai। ab main logical diagram draw karke hi aapse baat karunga। imagine kariye ye hamara stack variable bana jiske andar ek arr hai, right। arr ke paas 0 टू 4 इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, ये 0 टू 4 इंडेक्सिंग हो गई एआरआर के अंदर की, और ये हमारा टॉस है जिसमें हाल फिलहाल गार्बेज है कि नहीं है, बताइए है। और ये पूरा ब्लॉक
जिसको मैं डैश से सराउंड कर रहा हूं, ये हमारा एस है। चलो आगे, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आप ये बताइए, लास्ट लेक्चर अगर आपने मिस नहीं कराओ तो हमें टॉस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा? माइनस वन से करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं टॉस इक्वल टू माइनस वन? नहीं, हरगिज नहीं लिख सकते हैं। टॉस स्ट्रक्चर के अंदर बैठा है, याद करिए सी लैंग्वेज के बेसिक्स, अगर कोई चीज स्ट्रक्चर का पार्ट है तो आप कभी उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे? कैसे का जवाब है एस डॉट करेंगे। ये क्या है? ये सिंटेक्स है, जैसे फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस लगता है, ये सिंटेक्स है, हाँ या ना? फंक्शन के नाम के साथ पैरेंथेसिस लगेगा, ये सिंटेक्स है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर के मेंबर और स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमेशा आपस में जब कनेक्ट होंगे तब आपने सी में पढ़ा है, आप वहां पर डॉट लगाएंगे। अगर मैं बोलूं इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे एस डॉट टॉस इक्वल टू माइनस वन, तो इसका हिंदी वर्जन होगा एस वेरिएबल के टॉस नाम के मेंबर की वैल्यू माइनस वन कर दो। तो कंपाइलर सबसे पहले मेमोरी में किसे ढूंढेगा? कंपाइलर सबसे पहले मेमोरी में किसे ढूंढेगा? एस को ढूंढेगा, फिर एस के अंदर जाकर सर्च करेगा टॉस को, मिलेगा उसे एस में टॉस? मिलेगा उसे एस में टॉस? मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अब माइनस वन। अब इसकी वैल्यू माइनस वन होगी, बट हम डायग्राम वाइज क्या समझेंगे? हम डायग्राम वाइज ऐसे दिखाएंगे कि टॉस ये है और टॉस ने माइनस वन को रेफर करा, पॉइंट करा, लाइक दिस। आ रहा है समझ? ठीक है, तो एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, आप कभी डायरेक्ट टॉस नहीं बोल पाएंगे, कभी डायरेक्ट एआरआर नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इन्हें एक्सेस हमेशा स्ट्रक्चर के वेरिएबल और डॉट ऑपरेटर की मदद से करा जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली राइट एआरआर, यू आर नॉट अलाउड टू डायरेक्टली राइट टॉस। आर यू गेटिंग दिस? राइट, अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे जल्दी से बताइए पुश के लिए अपन ने क्या क्या स्टेप्स पढ़े थे। दो मेजर स्टेप्स बताइए जो पुश में हम करते हैं, जल्दी बोलिए। स्टैक में डेटा डालने के दो मेजर स्टेप, वेरी गुड। टॉस बढ़ाओ और जहां टॉस आ रहा है वहां पर एलिमेंट डाल दो। टॉस बढ़ाओ, जहां टॉस आ रहा है वहां पर एलिमेंट डाल दो, वेरी गुड। टॉस कैसे बढ़ेगा? टॉस कैसे बढ़ेगा? बाय वन बढ़ाना है ना, तो टॉस के लिए हम लिखेंगे एस डॉट टॉस इज इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस वन। कोई और तरीका भी है इसको लिखने का? हाँ, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो एस डॉट टॉस प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस एस डॉट टॉस भी लिख सकते हैं, एस डॉट टॉस प्लस इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं। सी में किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाने के चार तरीके होते हैं ना, है ना? तो उनमें से हम कोई भी तरीका ले सकते हैं। मैंने सिंपलेस्ट तरीका लिया है एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस वन। अब बताइए इसका डायग्राम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी बताइए इस लाइन का डायग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा जो टॉस माइनस वन पे था वो टॉस इंक्रीमेंट होकर इंडेक्स नंबर जीरो पे आ जाएगा। तो क्या वाकई में मेमोरी में वो जीरो को पॉइंट करेगा? नहीं, कोई पॉइंट वॉइंट नहीं करेगा, सिर्फ टॉस में जीरो आ जाएगा, बट हम लॉजिकली मानेंगे कि टॉस जीरो को पॉइंट कर रहा है। राइट, अब हमें इस जीरो सेल पे 10 स्टोर करना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या लिखूं कि यहां पर 10 आ जाए जिस एरिया को मैं शेड कर रहा हूं? व्हाट शुड बी माय लाइन कि उस एरिया में 10 चला जाए? जल्दी जल्दी बोलिए, वेरी गुड। मुझे लिखना चाहिए एस डॉट ए आर आर सबस्क्रिप्ट के अंदर एस डॉट टॉस इज इक्वल टू 10। गलती से भी टॉस नहीं बोलना है, नहीं बोलना है टॉस श्रीनिवास, टॉस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। हाउ कैन वी डायरेक्टली से टॉस? विकास श्रीनिवास कैसे कह सकते हैं? एस डॉट टॉस बोलना पड़ेगा ना, टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो चीज स्ट्रक्चर का पार्ट है आप उसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल पे ना कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसलिए द लाइन हैज टू बी एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। दिमाग में इस बात को लॉक कर लें आप, जब ए आर आर और टॉस स्ट्रक्चर के अंदर चले गए हैं तब आप लिखेंगे एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। निशिता, फिर टॉस क्यों लिया हमने अगर हमको डायरेक्टली जीरो बोलना है तो? क्यों निशिता बताइए, फिर टॉस क्यों ले रहे हैं हम अगर हमको डायरेक्टली ही जीरो बोलना है? देन व्हाई वी आर टेकिंग टॉस? टॉस का पर्पज ये है ना कि वो रोल प्ले करेगा जीरो वन टू थ्री का। और फिर सोचिए आप जब इसको लूप में लिखेंगे, आप सब मानते हैं ना ये कोड ऐसे नहीं बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं। अगर मैं ऐसे एक एक लाइनें लिखने लगा
तो पुश की 10 लाइनें हो जाएंगी, है कि नहीं? तो इसको हम लूप में कन्वर्ट करेंगे, और जब हम लूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या यहां पर जीरो लिख सकते हैं एस डॉट टॉस की जगह? और अगर आपको लग रहा है हाँ सर लिख देते हैं, तो फिर हर बार जीरो पे ही एलिमेंट जाएगा। ये भी समझ रहे हैं, हर बार जीरो पे ही एलिमेंट जाएगा, जबकि हमें तो हर बार बढ़ाना है ना पुश में, इसलिए वहां जीरो नहीं लिखना है अपन को। अपन कोड वैसे करें ताकि आगे के चेंजेस हमें इजीली समझ आए, इसलिए हमने टॉस ले रखा है। ये क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड। तो एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस इक्वल टू 10 का असर क्या होगा डायग्राम में? आप इस सेल पे देखें, आ जाएगा 10। ठीक है, अब फिर से मुझे 20 डालना है, क्या करूं? जवाब दें सभी लोग। अब मुझे 20 पुश करना है तो क्या करा जाए? वेरी गुड, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं? यही स्टेटमेंट एस डॉट टॉस इक्वल्स टू एट डॉट टॉस प्लस 1, टॉस इंक्रीमेंट होकर 1 पे आ जाएगा। फिर कह दीजिए एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस इज इक्वल टू 20। और अब आप इमेजिन करिए ऐसे आप मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे। ठीक, लास्ट टाइम जब आप ये लाइन लिखेंगे तो टॉस 3 से 4 पे आएगा, ओके? और फिर इंडेक्स 4 जो एक्चुअल में फिफ्थ इंडेक्स है पे आप स्टोर कर देंगे अपनी लास्ट वैल्यू विच इन आर केसेस 50। मैं फिर याद दिला रहा हूं ये सिंपलेस्ट पॉसिबल इंप्लीमेंटेशन है। अभी इसमें लूप भी लगेगा और डेटा भी यूजर से लेना चाहिए ना। प्रोग्रामर क्या करेगा स्टैक में 10-20 डालकर? कोड तो यूजर के लिए लिखा जा रहा है, तो ये सब कन्वर्ट करेंगे अपन। अभी अपन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये फाइनल वर्जन नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है। ठीक है, आप मुझे बताइए जब ये पांचों सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाएंगे तो अल्टीमेटली कौन कहां पर होगा? जवाब दें, ये सारे स्टेटमेंट चलने के बाद किसकी जगह क्या होगी? स्टैक भर गया होगा, स्टैक भर गया होगा, बिल्कुल स्टैक टोटली फुल हो गया होगा हमारा। टॉस बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ गया होगा, तो यहां 20 यहां 30 यहां 40 यहां 50, टॉस की जगह अब हो गई होगी इंडेक्स नंबर 4 पे। अब स्टैक कुछ नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। अब अगर हम कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे आगे चलकर, अभी नहीं आगे चलकर हमारा कोड बोलेगा ओवरफ्लो। वो कैसे बोलेगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। अभी फिलहाल आप ऑपरेशंस पे फोकस करें। तो इसका मतलब पुश के दो ही मेजर काम होते हैं, टॉस बढ़ाना और जहां टॉस है वहां पर एलिमेंट स्टोर कर देना, राइट? तो ये सब हमने क्या इंप्लीमेंट करा? ये सब हमने बहुत ही बेसिक फॉर्म में पुश इंप्लीमेंट करा। ये जो आपने करा इसको कहते हैं पुश, राइट? आगे बढ़े, ठीक है। अब हमें करना है पॉप, राइट? कैसे निकालते हैं स्टैक से एलिमेंट? अपने मन से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो वाला एलिमेंट निकालेंगे जिसे पॉइंट कर रहा है टॉस, राइट? तो एक वेरिएबल लेते हैं ताकि वो जो एलिमेंट आए उसे एक वेरिएबल में रिसीव तो करें। तो यहां अपन ने एक इंटेजर ले लिया एक्स, ठीक है। बताइए नेक्स्ट टास्क, कैसे निकालूं स्टैक से एक एलिमेंट? बिल्कुल सही खुशी, कैसे करूं? जो आपने थ्योरी बोली है उसका कोड चाहिए मुझे। पहले टॉस डिक्रीमेंट नहीं होगा, पहले एलिमेंट निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो आप ये वाला जो स्टेटमेंट है ना इसको रिवर्स में लिखेंगे। कौन सा? ये वाला जो आपने पुश में लिखा है। पुश में आप जैसे वैल्यू डाल रहे हैं इसको पलट दीजिए। पलट देंगे तो लाइन क्या बनेगी? दिमाग लगाइए, अगर इसको पलट देंगे तो लाइन बनेगी एक्स इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। इसका हिंदी वर्जन सुनाओ, इसका हिंदी वर्जन है ARR के टॉस वाले इंडेक्स पे जाओ, वहां जो वैल्यू पड़ी है वो कॉपी कर दो एक्स में। तो क्या होगा इसका सर? सभी लोग जवाब दें, इसका सर क्या होगा? ये 50 यहां से आ जाएगा हमारे एक्स के अंदर, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरा अगला स्टेटमेंट सुनना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गया। क्या 50 वाकई में यहां से हट गया? नहीं, आप सबने प्रोग्रामिंग करी है, सब जानते हैं मेमोरी से कुछ हटता हटता नहीं है, 50 अभी भी वही है। बट हम इमेजिनेशन में ये मानते हैं कि ऐसा करने से 50 हट गया, ऐसा करने से लॉजिकली हम ये मानते हैं कि हमारी ये जगह खाली हो गई। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हम लॉजिकली ये मानते हैं कि ये जगह खाली हो गई। तो अब टॉस कहां जाएगा? अगर ये जगह खाली हो गई तो टॉस को क्या करें? टॉस को ले आए आप नीचे। ये फिजिकली डिलीट नहीं हुआ है,
50 वहीं पे बैठा हुआ है, राइट। अगर आपको लग रहा सर फिजिकली कैसे हटेगा, तो फिजिकली हटेगा जब हम स्टैक को डायनेमिक करेंगे। डायनेमिक चीजें मेमोरी से डिलीट होती हैं, स्टैटिक चीजें मेमोरी से डिलीट नहीं होती तब तक जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। मैं फिर रिपीट करता हूं, डायनेमिक चीजें मेमोरी से डिलीट होती हैं, स्टैटिक चीजें मेमोरी से डिलीट नहीं होती तब तक जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। तो इसको हम लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे टॉस को डिक्रीमेंट करके। इसलिए पॉप दो काम करता है, पहला काम टॉस वाले एलिमेंट को हटा देना, दूसरा काम टॉस को बाय वन डिक्रीमेंट कर देना। बताइए समझ आया ये पॉइंट आपको, राइट। तो ये हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि एलिमेंट हमने हटा दिया, राइट। और फिर आप चाहें इसे दिखा दें कि आपने इस एलिमेंट को पॉप करा है। पॉप्ड एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। चलो आगे, आया समझ। ऐसे अब आप इसको रिपीट करिए। अब आपको अगला एलिमेंट पॉप करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट दीज थ्री लाइंस, क्या होगा उससे। अब टॉस जहां पर होगा, अब कहां पर है टॉस, पहले तो ये बताइए, जगह बदल गई टॉस की। बदल गई, आपके फर्स्ट पॉप के कॉल ने टॉस को शिफ्ट कर दिया इंडेक्स थ्री पे। अब आप फिर से जब लिखेंगे तो 40 बाहर निकाला जाएगा, 40 आ जाएगा फिर एक्स के अंदर, और हम ये मानेंगे लॉजिकली 40 ने भी ये जगह छोड़ दी, तो ये वाला सेल भी खाली हो गया। बिल्कुल, ये वाला सेल भी खाली हो गया, राइट। और टॉस को फिर डिक्रीमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो टॉस थ्री पे था वो टॉस अब टू पे आ जाएगा, राइट। तो टॉस अब ये जगह छोड़ देगा और टॉस टू पे आ जाएगा। यस और नो, आया समझ, ठीक। अल्टीमेटली फाइनल डायग्राम अगर आप इमेजिन करें, ये कोड भी अगर 5-5 बार चलाया जाए तो फाइनली क्या होगा, स्टैक खाली हो जाएगा पूरा। अगर ये कोड भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करें तो स्टैक पूरा खाली हो जाएगा और टॉस वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया था। टॉस वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया था। कहां से आया था टॉस? माइनस वन से। तो वापस आ जाएगा माइनस वन। तो हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ऑर्डर सीखा, किस ऑर्डर में पुश चलता है, किस ऑर्डर में पॉप चलता है। आया समझ? अब आपको दिख रहा है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यों था। सबसे पहले 10 गया था, लेकिन स्क्रीन पे सबसे पहले आपको 50 दिखेगा। 50 क्यों दिखेगा? क्योंकि ये लीफो ऑर्डर में एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहा है। गए थे 10, 20, 30, 40, 50, बाहर आए 50, 40, 30, 20, 10। इसी को आप लास्ट लेक्चर में एक्रोनिम वाइज बोल रहे थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्लियर हुई बात, समझ में आई सबको? वेरी गुड। अब क्या डाउट्स हैं पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए जो भी हैं आपके, नहीं तो मैं इसका सेकंड वर्जन बनाऊं। जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं अब, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, राइट। अब मुझे दो चेंज करने हैं इस कोड में, है ना। ये तो बिल्कुल बच्चों के लेवल का कोड अपन ने बना दिया, थोड़ा सा इसको बेटर करते हैं। जो काम मुझे 5 बार करना है, बेटर है ना उसको एक लूप में डाल दूं। लैंग्वेज ने तो यही सिखाया है, बार बार उसको लिखने की क्या जरूरत है। नंबर टू, रादर देन आई माई सेल्फ पासिंग द डेटा, कैन आई आस्क द यूजर टू गिव द वैल्यूज, कैन आई आस्क द यूजर टू गिव द वैल्यू, कैन आई मेक दिस प्रोग्राम इंटरक्टिव, यस। तो अब इसका सेकेंड वर्जन, तो ये था इसका फर्स्ट वर्जन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको सिंटेक्स समझ में आए, इसलिए मैं लिख भी रहा हूं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का वर्जन है, ये प्रॉपर वर्जन नहीं है। तो जो दूसरा वर्जन बनाने जा रहे हैं वो प्रॉपर है? नहीं, प्रॉपर वो भी नहीं है। प्रॉपर तीसरा वर्जन होगा जिसमें हम पुश पॉप के फंक्शंस बनाएंगे, राइट। क्योंकि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में काम कर रहे हैं, और प्रोसीजर ओरिएंटेड वे बोलती है फॉर एवरी टास्क आपके पास होना चाहिए एक फंक्शन। तो प्रोग्राम में टोटल कितने फंक्शन होंगे? प्रोग्राम में टोटल 3 फंक्शन होंगे। कौन कौन 3? एक मेन होगा, एक पुश होगा, एक पॉप होगा। अभी आपने कहने को पुश पॉप का काम जरूर कर लिया है, लेकिन करा तो आपने मेन में ही है, ना कोई पुश दिख रहा है ना कोई पॉप दिख रहा है प्रोग्राम में, राइट। इसलिए ट्रू सेंस में एडीटी नहीं हुआ। एडीटी के लिए स्टैक के साथ ऑपरेशंस भी होने चाहिए, स्टैक में डेटा भी चाहिए, ऑपरेशंस भी चाहिए। ऑपरेशंस होंगे फंक्शंस की मदद से, लाइक पुश एंड पॉप। पीप भी होगा, लेकिन मिनिमम जो चाहिए वो 2 चाहिए, पुश पॉप। पीप हमेशा नहीं चाहिए होता, बट पुश पॉप हमेशा चाहिए होते हैं स्टैक में,
ओके शालू, ऐसे तो बहुत बनेंगे, एक इज एम्प्टी भी बनेगा, आप आगे देखिएगा, जो हमें ये बताएगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है कहीं। जो बेयर मिनिमम ऑपरेशन है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और बेयर मिनिमम दो ऑपरेशंस हैं, एक पुश और एक पॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिजाइन द सेकेंड वर्जन। सो दिस इज सेकेंड वर्जन ऑफ आर कोड। इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें हम लोग लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप गाइड करो, आई होप आप हल्का सा आइडिया लग गया होगा आपको कोडिंग का। नाउ यू टेक द चांस, आप गाइड करिए। डिक्लेरेशन स्टैक का पहले जैसे ही कर रहा हूं, इंट arr 5, अंदर टॉस भी पहले जैसे ही ले रहे हैं, int टॉस, मेन आएगा, मेन के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक स्ट्रक स्टैक s, राइट। अब लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिएगा, लूप घुमाएंगे तो एक वेरिएबल भी तो चाहिएगा, एक i लेंगे, और यूजर से डेटा लेने के लिए भी वेरिएबल चाहिएगा, तो एक x लेंगे। ये दो नए वेरिएबल कोड में इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। फिर टॉस इनिशियलाइज होगा -1 से, लूप के अंदर के लूप के पहले, लूप के अंदर टॉस को -1 करेंगे कि लूप के पहले करेंगे, पहले करेंगे। अगर लूप के अंदर कर देंगे तो टॉस बेचारा बढ़ ही नहीं पाएगा, हर बार -1 हो जाएगा, इसलिए अब हम टॉस को करेंगे -1 बिफोर वी एंटर इनसाइड द लूप। इतना क्लियर हुआ, राइट। अब लूप बताइए कैसे चलेगा। विल रन द लूप फ्रॉम, विल रन द लूप फ्रॉम 1 to 5। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आ रहा हो, सर 0 to 4 चलना चाहिए, एरे तो 0 से स्टार्ट होता है। बिल्कुल, एरे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम आई को यूज नहीं कर रहे ना इंडेक्स के तौर पे, इंडेक्स का काम तो टॉस करेगा ना, आ रही है बात समझ में। जो स्टैक है उसमें आई थोड़ी यूज होगा एज इंडेक्स, वहां टॉस यूज होगा। तो क्या फर्क पड़ता है मैं आई को 1 से 5 चलाऊं, मैं चाहूं तो 11 से 15 चला लूं, हां के ना। सोचिए, लूप ही घुमाना है 5 बार, वो 5 बार कैसे भी चला दीजिए आप, मैं 10 से 50 चला दूं आई को, हर बार 10-10 का इंक्रीमेंट दे दूं, तो भी तो 5 बार घूम जाएगा लूप, है ना। तो हमारा सोल पर्पस लूप इटरेट करना है, हम उस लूप से आई को स्टैक पे ट्रैवर्स नहीं करा रहे हैं। स्टैक पे ट्रैवर्स कौन करता है, स्टैक के इंडेक्सेस को कौन पॉइंट करता है, टॉस, आई नहीं करता है, आई स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, आई बाहर बैठा हुआ है, ठीक। तो फिर अंदर क्या लिखेंगे लूप के, वही लिखेंगे जो आपने अभी लिखा, लेकिन इनपुट यूजर से लेना है, इनपुट यूजर से लेना है, यस। तो अब यहां आ जाएगा आपका लैंग्वेज का इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का स्टेटमेंट। तो आई विल से एंटर एलिमेंट टू पुश, वो एलिमेंट दीजिए जो स्टैक में पुश होना है, ठीक। फिर क्योंकि हम सी पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए एज यूजुअल मेक यूज ऑफ स्कैनर। जावा होती तो क्या करते, तो आप स्कैनर यूज करते। पाइथन होती तो क्या करते, तो आप इनपुट फंक्शन कॉल करते। C++ होती तो क्या करते, तो आप सी इन यूज करते। जैसी लैंग्वेज वैसा आईओ ऑपरेशन करते आप, ठीक है। अब ये स्टैक में चला गया एक्स, नहीं गया, एक्स तो अभी भी बाहर बैठा है। अब आप इसको स्टैक में भेजेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे s.toss is equal to s.toss +1, और फिर आप कहेंगे s.arr सबस्क्रिप्ट में s.toss is equal to x, और यूजर के सेटिस्फैक्शन के लिए आप बोल देंगे pushed followed by the message %d, x and for loop close। लूप आ रहा है समझ, वो ही है जो आपने टुकड़ों में करा था, जो पिछला कोड अलग अलग पार्ट्स में कर रहा था उसको उठा के लूप में डालकर हमने लूप घुमा दिया 5 बार। थोड़े से प्रोग्रामिंग एफर्ट कम हुए, थोड़ा सा इंटरैक्टिव हुआ। नाउ रादर देन प्रोग्रामर पुशिंग द एलिमेंट्स, वी आर आस्किंग द यूजर टू प्रोवाइड द एलिमेंट्स। आ रहा है समझ, क्लियर हुआ। अब जरा पॉप के लिए आप कोड लिख दो, तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन द फॉर लूप जो पॉप के ऑपरेशंस के लिए लिखा जाएगा। मैंने पुश का लूप लगाया है, आप इस कोड को लूप में कन्वर्ट करिए जो पॉप का आपको दिखा रहा हूं मैं, करिए कोशिश। एवरीवन प्लीज अटेम्प्ट दिस, अगर आपको इस कोर्स से कुछ फायदा उठाना है तो प्लीज कोड लिखने में हिचकिचाइए मत, सही गलत जो समझ में आ रहा है लिखिए। अमित प्रिंट भी तो करेंगे जो एलिमेंट आ रहा है,
अंकित जीरो से लेस देन इक्वल टू फाइव 6 बार चल जाएगा, हमें लूप चलाना है 5 बार। बिल्कुल सही तरुण। अब अंदर का कोड लिखो, अंदर का कोड मेंशन करो। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। इसका मतलब अब हमारा कोड हो गया फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। लूप उल्टा भी चला सकता हूं 5 से 1, हाँ या ना? बिल्कुल चला सकता हूं, लूप ही घुमाना है, कैसे भी घुमा दीजिए। अंदर x इक्वल टू s डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस, देन s डॉट टॉस इक्वल टू s डॉट टॉस माइनस 1, देन printf, printf में विल से पॉप्ड परसेंटेज d, और परसेंटेज d के बाद x, बस ये आपका फंक्शन खत्म, मेन फिनिश। आया समझ? अब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, गेस करिए। इसका आउटपुट आएगा पुश 10 से पुश 50, और फिर उल्टा आएगा पॉप 50 से पॉप 10। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब इस कोड में है 2 प्रॉब्लम, दिख रही हैं आपको 2 प्रॉब्लम? दिख रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, सब कुछ मेन में हो रहा है, जबकि सी ने आपको पढ़ाया, हाँ सी ने आपको पढ़ाया मेन में सारे काम नहीं होते हैं, आप काम करिए फंक्शंस में और मेन से उस फंक्शन को कॉल करिए, हाँ या ना? राइट तो ये जो पहला वाला लूप का कोड है ये पुश में चले जाना चाहिए, राइट? लूप यही रहेगा, कोड चला जाएगा पुश के अंदर, हम लूप को पुश में नहीं भेजेंगे, लूप मेन में चलेगा लेकिन जो अंदर काम हो रहा है वो पुश करेगा, यस और नो? राइट, तो एक तो इसमें पुश फंक्शन चाहिए, दूसरे वाले में पॉप चाहिए, चाहिए। एक और चीज जो आपका ये कोड नहीं कर रहा है, आप मानते हैं आपका कोड अपनी मर्जी से पहले लगातार 5 बार पुश और फिर लगातार 5 बार पॉप कर रहा है, जबकि होना तो ये चाहिए ना कि यूजर डिसाइड करे, कुछ चॉइस वॉइस आनी चाहिए, कुछ स्विच लगना चाहिए, कुछ केसेस बनने चाहिए, यूजर डिसाइड करे कि उसे पुश करना है, यूजर डिसाइड करे कि उसे पॉप करना है, है कि नहीं है? आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी मशीन पैसे निकालती जाती है, आप डिसाइड करते हैं ना कि आपको कैश विड्रॉ करना है, कि मिनी स्टेटमेंट देखना है, कि पिन चेंज करनी है, ऑपरेशन तो आप बताते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो फिर हमें इस प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव तो हो गया है बट ये प्रोग्राम चॉइस बेस्ड नहीं हुआ ना, प्रोग्रामर की चॉइस चल रही है, प्रोग्रामर की मर्जी चल रही है, यूजर की तो मर्जी पूछी नहीं जा रही, हाँ के ना? राइट तो इसमें हमें करने हैं 2 चेंजेस, ठीक है? पहले फर्स्ट चेंज करेंगे हम, फिर हम सेकंड वाला चेंज करेंगे, और इसमें यूज करेंगे हम स्विच वाला, ठीक है? अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस काम को पुश में कन्वर्ट करना है तो हमें पुश फंक्शन बनाना पड़ेगा, यस और नो? बनाना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जब भी मैं आपको कोई नया फंक्शन बनाने को कहूंगा सबसे पहले हम उस फंक्शन को सूडो कोड को लिखेंगे। क्या सुना आपने वर्ड? टाइप करिए तो चैट विंडो में, मैंने क्या बोला? सूडो कोड लिखेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो। व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड प्रोग्राम बनाने का प्रॉपर तरीका होता है। आपने कभी सी लैंग्वेज पढ़ते वक्त सूडो कोड्स के बारे में नहीं सुना होगा, बट ऑफिशियली जब हम कंपनी लेवल पे काम करते हैं हम सीधे कोड लिखना शुरू नहीं कर देते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है पहले उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम ब्रेक करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स में, और जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हम इन्हें इंग्लिश में लिखते हैं, और जब आप करे जाने वाले काम को प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं तो वो अपने आप में बन जाता है सूडो कोड, राइट? तो मैं आपको सबसे पहले तो सूडो कोड की डेफिनेशन समझा दूं। द टर्म सूडो कोड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स
describing the steps to be taken, the steps to be taken for implementing a particular function. ठीक, और ये स्टेप्स किस में लिखेंगे? सी में, के जावा में, के पाइथन में, इंग्लिश में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं. ये स्टेप्स इंग्लिश में लिखे जाएंगे. फिर ये स्टेप्स किसको दे दिए जाएंगे? किसी डेवलपर को. फिर वो डेवलपर क्या करेगा? इस इंग्लिश को कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज में. कौन सी लैंग्वेज में? जिस लैंग्वेज में उसको कोड लिखना हो. आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? ये सूडो कोड आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा. आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो सूडो कोड देखकर आइडिया लगेगा कि कोड क्या कर रहा है. आ रही है बात समझ? हाँ, मैं बताऊंगा आपको सूडो कोड और एल्गोरिथम में क्या फर्क होता है. मैं बताऊंगा बिल्कुल. पहले सूडो कोड की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको एल्गो बताऊंगा. ठीक है, अभी पहले सूडो कोड देख लीजिए. सूडो कोड को कन्वर्ट करेंगे कोड में, फिर बात करेंगे सूडो कोड का एल्गोरिथम और एल्गोरिथम का कोड. ऐसे होता है फाइनल वर्जन. ठीक है, चलिए पहले सूडो कोड सीख लीजिए. These steps are mentioned in plain English. And then they are converted to actual syntaxes by the programmer. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब शुरू करें. चलो नेक्स्ट. अब हम लिखने जा रहे हैं. एक सूडो कोड मैं लिखूंगा, एक आप लिखिएगा. मैं आपको लिखकर दे रहा हूं सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश. आ रहा है समझ में? मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिखने जा रहा हूं सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश. चलो अब आप थोड़ा सा गाइड करो मेरे साथ. सबसे पहले बताइए पुश का काम क्या होगा. सबसे पहला काम स्टैक में एलिमेंट डालने से पहले पुश क्या करेगा? ना, अब पुश चेक करेगा. क्या आपको नहीं लगता पुश को यह चेक करना चाहिए कि स्टैक में जगह है कि नहीं? टॉस को बढ़ाने का मतलब तो तब है ना जब स्टैक में जगह हो. अगर पुश ने टॉस बढ़ा दिया और मान लीजिए मैंने पुश को 6 बार कॉल कर दिया तो टॉस रेंज के बाहर चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा. और अगर आप लोगों ने जावा पाइथन पढ़ी है तो आपको याद होगा जब आप एरे की रेंज के बाहर निकलते हैं तो वहां तो एक्सेप्शन आ जाती है, रन टाइम एरर आ जाती है ना. जावा जैसी लैंग्वेजेस में, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में और सी जैसी लैंग्वेज में गार्बेज आने लगता है, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आ सकता है. हाँ के ना, राइट? तो पुश का पहला काम अब से हमेशा ये चेक करना होगा कि स्टैक में जगह है भी कि नहीं है. आ रही है बात समझ? राइट. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा फर्स्ट स्टेप होगा चेक फॉर ओवरफ्लो. ठीक, आप इसको कैसे चेक करना है ये सूडो कोड नहीं बताता है. सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? अब इसमें इफ लगेगा, क्या लगेगा वो प्रोग्रामर सोचे, कंडीशन क्या बनेगी वो भी प्रोग्रामर सोचे. सूडो कोड सिर्फ ये बोल देगा ओवरफ्लो चेक करो. चलिए सेकेंड स्टेप बताइए. अगर ओवरफ्लो हुआ, स्टैक भरा हुआ हुआ तो पुश फंक्शन क्या करेगा? जल्दी बोलिए. तो वो करेगा जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता रहा था. मैसेज देंगे स्क्रीन पे, स्टैक ओवरफ्लो. हाँ, मैसेज देंगे. और हम फंक्शन में अगर हैं और हमें लगता है फंक्शन को अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए तो फंक्शन को रोकते कैसे हैं? ब्रेक से कि एग्जिट से कि रिटर्न से? फंक्शन कैसे रुकता है? रिटर्न से. ना ब्रेक ना एग्जिट, फंक्शन रोका जाता है रिटर्न से. तो हमारा स्टेप टू होगा इफ स्टैक इज फुल. If stack is full, then print stack overflow. Then print stack overflow and return. आ रही है बात समझ? Step two समझ आ रहा है? अगर stack भरा हुआ है तो stack overflow करके वापस चले जाओ. अच्छा, अब बताइए अगर stack भरा हुआ नहीं है तब क्या करें? तब वो करें जो आप अभी बोल रहे थे, टॉस को करें इंक्रीमेंट. कितने से? 1 से.
हमेशा टॉस एक बार के कॉल में एक से बढ़ेगा. सो इफ स्टैक इज नॉट फुल देन इंक्रीमेंट टॉस बाय हाउ मच बाय वन. ठीक है, फिर क्या करें इंक्रीमेंट करने के बाद? फिर क्या करें? फिर एलिमेंट पुश करिए. कहां पर पुश करें? स्टैक में. कौन सी जगह पर? वो जगह पर जहां टॉस है. आ रहा है समझ? अब इसका इंग्लिश वर्जन, पुश द एलिमेंट इन द स्टैक एट द पोजिशन पॉइंटेड बाय टॉस. दिस इज पुश. स्टेप फाइव, फिनिश एंड रिटर्न. बताइए ये समझ में आ रहे हैं सारे स्टेप? इंग्लिश क्लियर है? राइट. तो अब आपका होमवर्क, आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पॉप का सूडो कोड बना के लाइएगा. बना लेंगे? ठीक है. बस मैं एक बात आपको याद दिला दूं, पॉप रिटर्न करेगा वैल्यू. जो वैल्यू स्टैक से निकालेगा पॉप वो वैल्यू रिटर्न करेगा. तो आपका लास्ट स्टेटमेंट पॉप में क्या होगा? पॉप में आपका आखिरी स्टेटमेंट क्या होगा? रिटर्न द वैल्यू. रिमेंबर दिस, ये पॉप को करना होगा. ये मैं आपको परसों ही बता चुका हूं, पॉप हमेशा वैल्यू वापस देगा अपने कॉलर को. आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? गुड. स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप. नेक्स्ट लेक्चर पॉप के सूडो कोड से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एक्चुअल कोड पे आ जाएंगे. और जब अगले लेक्चर में आए तो पास बाई रेफरेंस और पास बाई वैल्यू सुना है आपने? सी में सुना है? ये पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा. अगले लेक्चर में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि हम आर्गुमेंट पास करेंगे. वेरी गुड आकाश, वो लास्ट में आएगा. एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना लास्ट में बताऊंगा मैं. और अगर आप लोगों को जल्दी पढ़ना है तो जो दूसरा डीएस का बैच चल रहा है आप उसे ज्वाइन कर लेना, मैं बता दूंगा. उसमें अभी आने वाला है. सर एक मिनट. हाँ सर, एक चीज ध्यान दीजिए. आप लोग ने जिन्हें फीस पे कर दी है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं की है वो याद से फीस पे कर दीजिए, नहीं तो ब्लॉकिंग चालू हो जाएगी, फिर बाद में आपको दिक्कत होना चालू हो जाएगी. इसलिए मैं तो इसलिए याद से अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 30 तक ही है. आज 25 हो गई है, आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं. वेडनेसडे से फिर ब्लॉकिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर वो जो जिन्हें फीस पे की होगी वही ज्वाइन कर पाएंगे. हर कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएगा. ओपन वाली लिंक क्लोज कर दी जाएगी अब, इसलिए याद से मंडे ट्यूजडे तक अपनी फीस पेमेंट क्लियर कर दीजिए. थैंक यू. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टास्क है. क्या है नेक्स्ट टास्क? जल्दी जल्दी बोलिए. अगला टास्क पॉप का सूडो कोड बनाना. राइट, तो पॉप के सूडो कोड के साथ आइएगा मंडे. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पॉप का सूडो कोड डिस्कस होगा. वो तो 5 मिनट का काम है. फिर हम थर्ड वर्जन इस कोड का बनाएंगे जो सबसे प्रॉपर वर्जन होगा. ओके, आ रही है बात समझ? चलिए मिलते हैं मंडे. ठीक, पेज 3. ओके, दिस इज पेज 3. कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना जल्दी सीखना, मैं बता दूंगा रिया. दूसरे बैच में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी वाला केस, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा. अभी उन लोगों में ट्री चल रहा है, जैसे ही ट्री के बाद रिकर्जन शुरू होगा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उनकी. यस, आई विल पोस्ट ऑल द नोट्स इन द ग्रुप, डोंट बॉदर. हाँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूंगा मैं. जो लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वो ले लें, बाकी व्हाइट बोर्ड में शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर.